जगन्नाथ जी के एक बड़े भक्त थे जो दर्जी थे, जिनका नाम था परमेष्ठी। दिल्ली के निवासी थे और राजा की सेवा में लगे थे। एक दिन राजा ने उनको कहा कि मैं आपसे दो तकिए बनवाना चाहता हूँ, लेकिन पूरे विश्व में सबसे उत्तम वर्ग का ये होना चाहिए। परमेष्ठी अपनी कलाओं का प्रयोग करने लगे और दो बड़ा ही आकर्षक तकिए तैयार कर दिए। अब हुआ यूँ कि उसी दिन जगन्नाथ जी का रथ यात्रा था और परमेष्ठी अपने मन में चिंतन करने लगे कि जगन्नाथ जी अपने पहांडी में अपने भक्तों के द्वारा खींचे गए जब अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं, तकियों के ऊपर उनको रखा जाता है। रखते हुए एक तकिया अचानक फट गया उनके ही चिंतन में, और उन्होंने कहा कि अरे जगन्नाथ जी को अब अगला कदम रखने के लिए तकिया चाहिए। तुरंत उन्होंने राजा के लिए बनाए गए दो तकियों में से एक तकिए को समर्पित कर दिया चिंतन में। लेकिन उनके चिंतन की इतनी शक्ति थी कि अचानक दिल्ली से वो दो में से एक तकिया गायब हो गया और सीधा जगन्नाथ पुरी में पहुंच गया, जगन्नाथ भगवान की सेवा में। अब अगले दिन जब राजा ने कहा तकिए कहाँ हैं, एक तकिया लेके परमेष्ठी पहुंचे। राजा ने कहा अरे मूर्ख, दो तकिए कहे थे, दूसरा कहाँ है? परमेष्ठी ने समझाने का प्रयास किया। राजा को लगा बेवकूफ बना रहा है मुझे, दूसरा तकिया बेच डाला। राजा ने उनको बंदी बना लिया। रात्रि के समय स्वप्न में उन्होंने देखा कि इतना बवंडर मचा हुआ है और उस बवंडर के बीचों बीच उनकी सारी श्रृंखलाएं खुल गईं और मुक्त हो गए। उसी रात्रि को राजा के स्वप्न में भी जगन्नाथ जी आए, अपने हाथ में डंडा लेकर राजा की पिटाई करने लगे। कहने लगे मेरे भक्त के ऊपर शंका करते हो? अरे मेरी सेवा में उसने तकिया भेजा है, स्वीकार करो इस बात को और उसके सामने जाकर प्रणाम करो और उसको रिहा करो। राजा भागे भागे आए और कहते हैं परमेष्ठी से मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैं आपके विद्वत्ता को आपकी भक्ति के भाव को समझ नहीं पाया, क्षमा करना। तत्पश्चात राजा ने परमेष्ठी को रिहा किया और परमेष्ठी भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में अपना समस्त जीवन बड़ा प्रेम से बिताए। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निरंतर मेरा चिंतन करे उसके लिए जो कुछ कमी हो मैं उसको समर्पित करूं और जो उसके पास हो उसको मैं बनाए रखूं। भगवान के ऊपर श्रद्धा और आस्था के साथ हम आदान प्रदान करें, चिंतन करें और चिंता न करें।